फिस्कल पॉलिसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के दरमियान गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। गवर्नमेंट का टैक्सेशन रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, दूसरे सोर्सेज भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर करने होते हैं इकोनॉमी चलाने के लिए। अगर हम रेवेन्यू साइड पे देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करती है, वहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, ड्यूटीज़ लगाती है, वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्सेस रेवेन्यू मिलता है। सो देर माइट बी डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेज। वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ गवर्नमेंट टैक्सेशन। ये दुनिया की हर गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में अपनी पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट करती है। इसी तरह गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए एक्सपेंडिचर करने होते हैं, जिसकी एक लंबी लिस्ट होती है, जिसमें से मेन एक्सपेंडिचर आपके एजुकेशन सेक्टर पर होते हैं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर होते हैं, इसके अलावा आपके पब्लिक ऑफिसेस जिन्होंने ऑब्टेन किए हुए होते हैं उनको सैलरीज वगैरह देनी होती हैं, और एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर होता है नॉर्मली। अब इस बेसिस के ऊपर हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि तीन तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, बट आइडियली टू, कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। सो अगर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर हो जाती है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ बजट सरप्लस, विच इज़ गुड फॉर द गवर्नमेंट। एंड इफ इनकम इज़ लेस देन द एक्सपेंडिचर, देन इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ बजट डेफिसिट, विच इज़ वेरी डेंजरस, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और एक आइडियल सिचुएशन ये हो सकती है कि आप जितना अर्न कर रहे हैं उतना ही आप एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस बजट। अब अगर हम स्टार्ट करते हैं बजट डेफिसिट की बात करते हैं, तो बजट डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि आपके पास टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सपेंडिचर अपनी जगह पे मौजूद है, इनकम लेवल कम हो रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बोरो। अब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट बोरो जो करेगी दैट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर नेट बोरिंग रिक्वायरमेंट। सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करेगी, तो गवर्नमेंट के पास बोरो करने के लिए कई प्लेसेस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक बोरोइंग भी कर सकती है और इंटरनेशनल बोरोइंग भी कर सकती है, यानी कि बाहर से भी बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट बोरो बैंक से भी कर सकती है, स्टेट बैंक से भी ले सकती है, और प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट रन करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है उसको रिड्यूस किया जाए। तो गवर्नमेंट अगर बोरो करके वेलफेयर पे पैसा खर्च करती है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, तो अल्टीमेटली वहाँ से बोरिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि गवर्नमेंट को जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज वगैरह दिए जा रहे होते हैं उससे गवर्नमेंट का बजट आउट होता है, वो बैलेंस हो जाएगा। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होने का फ़ायदा ये होगा अल्टीमेटली कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ने से गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ या टैक्स कलेक्शन भी अल्टीमेटली बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। और इसका एक अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि इकोनॉमी में जो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ हुआ होगा, उस डिफ्लेशनरी गैप को हम थ्रू इंक्रीजिंग डिमांड क्लोज कर सकते हैं, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट सप्लाई को मीट करेगी और हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएंगे। इस तरह की पॉलिसी जो गवर्नमेंट रन करती है इसे कहा जाता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इंडिकेटर ये होगा कि आपने जो है वो टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए होंगे डिमांड को बूस्ट करने के लिए, या आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इनक्रीज कर दिया होगा डिमांड को बूस्ट करने के लिए। ये कहलाती है फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी।
इसका एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन हमारे लिए होती है कि क्राउडिंग आउट अफेक्ट क्रिएट हो जाता है. नाउ व्हाट इज क्राउडिंग आउट अफेक्ट, ये कैसे क्रिएट होता है क्राउडिंग आउट अफेक्ट? अच्छा, होता ये है, गवर्नमेंट बोरिंग से गवर्नमेंट बिजनेस में लिक्विड एसेट्स इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में, जिससे मनी सप्लाई बढ़ती है और उससे इन्फ्लेशन होती है, और उससे ये होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को पुश करते हैं प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग के लिए. तो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग की वजह से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग की वजह से अल्टीमेटली होता ही है कि प्राइवेट सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी बढ़ जाते हैं और एक क्राउडिंग आउट अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें बजट सरप्लस की, तो बजट सरप्लस का मतलब ये होता है, अगर आप बजट सरप्लस रन करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका टैक्सेशन ज़्यादा और आपकी एक्सपेंडिचर कम है. तो अब आप डेट लेने के बजाय डेट दूसरों को देते हैं, अगर बजट सरप्लस रन करते हैं तो इसका मतलब है आप बोरो नहीं करते बल्कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या अगर कोई डेट आपने लिया हुआ था तो उसको रीपे कर रहे होते हैं. अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशनरी गैप है और आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड हो रहा है और फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे जाके आपकी डिमांड बढ़ गई है, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा होगा आपके पास और एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो गया होगा. फिस्कल पॉलिसी टूल हम यूज़ करेंगे उस इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस किया जाएगा थ्रू बजट सरप्लस. अब एक बजट सरप्लस रन करके एग्रीगेट डिमांड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसका तरीका ये होता है कि आप पैसा इकोनॉमी से बाहर निकालें, इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट ना करें, आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करें जिसके अंदर आप रिड्यूस कर दें स्पेंडिंग को. तो एक तरीका ये होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कि स्पेंडिंग कम की जाए ताकि पैसा इकोनॉमी से बाहर निकले, या फिर टैक्स रेट्स बढ़ा दिए जाएं ताकि लोगों की जो आफ्टर टैक्स इनकम है वो रिड्यूस हो जाए और उससे उनकी कंजम्पशन जो है वो श्रिंक हो जाए और एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो कंजम्पशन रिड्यूस करने का तरीका ये है कि अगर 10% इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट था तो आपने 15% कर दिया, नाउ इंडिविजुअल डिस्पोजेबल इनकम इज रिड्यूस एंड इज नॉट एबल टू स्पेंड. गवर्नमेंट बोरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, नुकसान होते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है, और वो करती कब है, जब डेफिसिट होता है. डेफिसिट दो तरह के डेफिसिट हो सकते हैं, एक डेफिसिट वो होता है जो साइक्लिकल एलिमेंट की वजह से होता है और एक डेफिसिट वो होता है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की वजह से होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि डेफिसिट साइक्लिकल एलिमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है या डेफिसिट स्ट्रक्चरल एलिमेंट की वजह से क्रिएट हो रहा है. साइक्लिकल एलिमेंट का मतलब होता है ट्रेड साइकिल, और ट्रेड साइकिल के ऊपर अगर आप फोकस करें तो ट्रेड साइकिल कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है, इकॉनमी कभी बूम में होती है, कभी रिसेशन में जा रही होती है, कभी इसमें ट्रफ आया होता है, कभी वो रिकवरी फेज के अंदर होती है. या आप ट्रेड साइकिल के लेक्चर को रेफर कर सकते हैं. तो अगर आपकी इकॉनमी डेफिसिट में है ड्यू टू डाउनवर्ड फेज ऑफ ट्रेड साइकिल, और इकॉनमी रिसेशनरी फेज में गई हुई है जिसकी वजह से आपको डेफिसिट का सामना करना पड़ा है, स्पेंडिंग अपनी जगह मौजूद है लेकिन टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म एलिमेंट होता है और इसी पॉसिबिलिटी आती है कि जब आपकी इकॉनमी टर्न अराउंड होगी और वो बूम में जाएगी तो अल्टीमेटली आपका ये जो डेफिसिट होगा, इसका जो गैप होगा, ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा और आपको ज़्यादा डेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. लेकिन अगर ये जो डेफिसिट आ रहा है ये एक इम्बैलेंस की वजह से आ रहा है जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर की वजह से है, तो ये लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करता है और आप अपनी इनकम बढ़ा नहीं पा रहे और एक्सपेंडिचर आपका अपनी जगह खड़ा हुआ है या वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसका ट्रेड साइकिल से कोई लेना देना नहीं होगा. अगर इकॉनमी बूम में जा रही है या डेफिसिट में जा रही है तो अल्टीमेटली आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप अपनी जगह मौजूद है. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इकॉनमी बूम में जा रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज़ द वीकनेस ऑफ द टैक्सेशन डिपार्टमेंट कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा, विच इज़ ऑलरेडी वी नो दैट कि ऐसा होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सच एज पाकिस्तान.
सो अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, लोग टैक्सेस देते नहीं है, उनकी इनकम भी बढ़ रही होती है लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन बढ़ नहीं रहे होते, एज अ रिजल्ट डेफिसिट जो होता है वो स्ट्रक्चरल डेफिसिट कहलाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चरल डेफिसिट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द गवर्नमेंट एज इट विल इंक्रीज गवर्नमेंट डेट। तो गवर्नमेंट को तो अपनी एक्सपेंडिचर को मीट करना है, तो अगर कलेक्शन नहीं होगी तो डेट बढ़ेगी, और डेट बढ़ने के प्रॉब्लम क्या होंगे वो हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या होते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर पड़ता है स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट का, ये इसके पीछे रीज़न क्या होता है, वन ऑफ द रीज़न इज कि आपकी इकोनॉमी में एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। अब एजिंग पॉपुलेशन जब होती है तो जो आपके बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, उनको आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी होती है, गवर्नमेंट बजट में इम्पैक्ट पड़ता है, स्टेट पेंशन आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है पब्लिक सेक्टर गुड्स में, सो आपको पब्लिक सेक्टर गुड्स खरीदना महंगा हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट फॉर एग्जांपल आप एक ब्रिज बना रहे हैं लेकिन लेबर की प्राइस ज़्यादा है, तो अब आपको वही सेम ब्रिज की कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, एज अ रिजल्ट आपकी डेट के ऊपर बर्डन पड़ेगा। इसी तरीके से आपने स्पेंडिंग की कमिटमेंट की हुई थी अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि हम हेल्थ पे इतना बजट लगाएंगे, एजुकेशन पे इतना बजट लगाएंगे, तो अब आपको वो मीट करना पड़ता है, एज अ रिजल्ट आपकी यू हैव टू बोरो मोर फॉर मीटिंग पब्लिक एंड मेडिकल गुड्स। इसी तरीके से क्या होता है कि आप पब्लिक की सिंपैथी गेन करने के लिए टैक्स रेट बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन टैक्स रेट डिक्रीज करके आप पब्लिक की सिंपैथी हासिल करते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट आपका रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता क्योंकि रेट डिक्रीज करने से ऑब्वियसली रेवेन्यू पे फर्क पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल एक आइडिया है फिस्कल पॉलिसी का। सो रिमेंबर दैट फिस्कल पॉलिसी जो भी हम बनाते हैं वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को स्मूथ आउट करने के लिए भी बनाई जाती है, और उस फिस्कल पॉलिसी की गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ता है कि आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रन करना चाहते हैं या आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रन करना चाहते हैं। अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी रन करेंगे तो उसका इंडिकेटर हमारे सामने क्या होगा कि हम टैक्सेस को लो करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, और स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, लेकिन अल्टीमेटली आपको बेयर करना पड़ेगा इसके साथ इन्फ्लेशन, क्योंकि जब इकोनॉमी बूस्ट करेगी एडी इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड्स टूवर्ड्स राइज इन प्राइस लेवल एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वाइल कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि हम इकोनॉमी को श्रिंक करना चाहते हैं तो हम टैक्सेस हाई करते हैं और स्पेंडिंग लो करते हैं, आइदर और पॉलिसी इफ इट इज पॉसिबल। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आपका जो एडी होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और एडी के रिड्यूस होने से आपका प्राइस लेवल, चांसेस आर दैट कि आपका प्राइस लेवल इकोनॉमी में कंट्रोल होना शुरू हो जाए और इन्फ्लेशन किसी हद तक कंट्रोल हो जाए।